भाइयों, अगर आपके घर में भी समर्सिबल पंप लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। दोस्तों, समर्सिबल मोटर को चालू करने के लिए हमें इस तरह के स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टार्टर दो तरह के आते हैं, एक तो ये जिसमें बटन लगे रहते हैं और एक ऐसा स्टार्टर आता है जिसमें केवल एक स्विच लगी रहती है। उस स्टार्टर की कीमत, स्विच वाले स्टार्टर की कीमत 500 से लेकर के 700 रुपये तक होती है और इस तरह बटन वाले स्टार्टर की कीमत 1000 से लेकर के 1300 1400 तक ये बटन वाला स्टार्टर आपको बाज़ार में मिलता है। जब हम इस वाले स्टार्टर की स्विच दबाते हैं तो ये वाला स्टार्टर है जो हमारा स्विच जब चालू करते हैं तो मोटर चालू हो जाती है और जैसे स्विच बंद करते हैं हमारी मोटर बंद हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम हरा बटन दबाते हैं तो मोटर चलती है और लाल बटन दबाने पर मोटर हमारी बंद हो जाती है। दोस्तों, इस स्टार्टर के फ्रंट में आपको एक वोल्ट मीटर मिल जाता है, एक एम्पियर मीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और ये एक बटन मिलेगा जिसको दबाने पर यहाँ पर वोल्ट शो होंगे कि हमारे कितने वोल्ट अभी लाइट आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑन करने के लिए ग्रीन बटन, ऑफ करने के लिए रेड बटन और एक ओवरलोड एमसीबी। तो इसके अंदर में आपको एक रनिंग कैपेसिटर मिल जाएगा, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर मिल जाएगा और एक इस तरह का ये कॉन्टैक्टर लगा होता है जो कि स्विच वाले स्टार्टर में नहीं रहता है। स्विच वाले स्टार्टर में केवल आपको वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एक इंडिकेटर, एक एमसीबी और एक स्विच लगी मिलेगी। अब उस स्टार्टर का नुकसान और इस स्टार्टर का फायदा ये रहेगा, ये आपकी मोटर की रक्षा करेगा। जो इस तरह का स्विच वाला स्टार्टर रहता है उसमें ऐसा होता है कि अगर हमने मोटर चालू कर दी, लाइट चली गई, हम स्विच भूल गए बंद करना, जब दोबारा लाइट आएगी तो हमारी मोटर दोबारा चल पड़ेगी। अगर उसमें है जो उसने पानी नहीं उठाया किसी कारण, तो हमारी मोटर जल जाएगी। लेकिन इस पैनल में ऐसा नहीं होता, इसमें आपने ग्रीन बटन से मोटर चालू कर दी, मोटर चल रही है, आप भूल गए, लाइट चली गई, जब दोबारा लाइट आएगी तो दोबारा मोटर नहीं चलेगी, दोबारा तब चलेगी जब आप दोबारा इसको ऑन करेंगे। पहला फ़ायदा इसमें ये होता है। दूसरी बात, बटन वाले स्टार्टर में, स्विच वाले ऐसे स्टार्टर में हमें क्या करना पड़ता है, पहले बटन दबाना पड़ता है, फिर अगर पानी नहीं उठाती मोटर तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए पुश बटन दबाना पड़ता है। लेकिन इसमें जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा 2 सेकंड के लिए खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम ग्रीन बटन छोड़ेंगे तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर बंद हो जाएगा, रनिंग कैपेसिटर काम करता रहेगा। तो अगर आपके घर में भी समर्सिबल मोटर है, समर्सिबल मोटर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह का पैनल यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी मोटर की बड़ी रक्षा होगी, आपको है जो जल्दी मोटर ख़राब नहीं होगी और ये सुरक्षित है जो पैनल है, हमेशा इसे लगाना चाहिए।